हेलो फ्रेंड, आज के आपको वीडियो क्लास में एक्सेल के वीडियो क्लास में यह बताएंगे कि हाउ टू कैलकुलेट ओवर टाइम ड्यूटी। हम कैसे ओटी को एक्सेल पर कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हम विंडो के साथ आर प्रेस कर यहां से एक्सेल को क्या करेंगे, ओपन करेंगे। और यहां से हमको क्या कैलकुलेट, हाउ टू कैलकुलेट ओटी। तो सर्वप्रथम हम मान के चलेंगे कि 8 घंटे हमारा ड्यूटी क्या है, फिक्स है। तो उसके लिए यहाँ से हम इस सेल को 8 घंटे को हम कर दिए, फिक्स कर दिए 8:00:00, यानी हावर्स मिनट और सेकेंड में इसको 8 घंटे में फिक्स कर दिए। इसके बाद डे, इसके बाद इन, हम कितने बजे इन हो रहे हैं और यहाँ से कितने बजे हम आउट हो रहे हैं। इसके बाद टोटल क्या हावर्स, इसके बाद हम क्या निकालेंगे, ओटी निकालेंगे, ओवर टाइम। मान लीजिए यहाँ से लिखेंगे क्या मंडे, एम ओ एन। इसके बाद जब प्लस पतला होगा तो आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, कहाँ तक, सैटरडे तक। और मानते हैं संडे क्या है, हॉलीडे है। अब इन, मान चलते सभी इम्प्लॉयों के इन कितने बजे होना है, 8 AM पर। तो 8:00 AM, इसके बाद प्लस जब होगा तो कंट्रोल के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे, यानी सभी लोग 8 बजे क्या हो गए, इन हो गए। अब वैसे 8 घंटे जब ड्यूटी करेंगे तो 4 बजे क्या होंगे, आउट होंगे। लेकिन उस दिन ये 4:00 PM इसके पहचान। तो ये 4 घंटा, ये 8 घंटा हमारा फिक्स है, लेकिन उस दिन ये 5:40 पर ये आउट होते हैं शाम को। इसके पहचान फिर ट्यूजडे को 6:30 PM पर आउट होते हैं। इसके पहचान 7:40 पर ये क्या होते हैं, आउट होते हैं। इसके बाद उस दिन टाइम से आउट हो रहे हैं यहाँ पर 4:00 PM। इसके पहचान 9:00 PM। इसके पहचान 4:56 PM। अब हमको क्या निकालना है, टोटल आवर्स निकालना है, ये टोटल कितने घंटे ड्यूटी की एक दिन। यहाँ से लिखेंगे क्या इक्वल, अब यहाँ से इसमें से इसमें क्या करेंगे, यहाँ से इसमें माइनस कर देंगे, यानी C4 - B4, और यहाँ से इंटर कर देंगे, यानी 9:40 उस दिन क्या किए हैं, ड्यूटी किए। अब हमको क्या निकालना है, ओवर टाइम निकालना है, क्या निकालना है, ओटी फाइंड करना है। तो यहाँ पर 8 घंटे क्या किए हैं, फिक्स किए हैं, तो इसमें से जो 8 घंटे फिक्स किए हैं माइनस कर देंगे। लेकिन ये जो हम सी वाले में देख रहे हैं, ये किस फॉर्मेट में, हावर्स मिनट और सेकेंड में के फॉर्मेट में है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपके AM फॉर्मेट में है। तो इसको उसी फॉर्मेट में करने के लिए सभी को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन आएगा क्या फॉर्मेट सेल्स आएगा, और आपको नंबर पर सेलेक्ट कर टाइम वाले पर सेलेक्ट करना होगा, और आपको हावर्स मिनट सेकेंड वाले फॉर्मेट पर क्या कर देना होगा, सेलेक्ट कर ओके कर देना होगा। ये और ये आपके एक फॉर्मेट में हो गया। इसके बाद ओटी कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से इक्वल करेंगे और यहाँ से D4 क्या होगा, ये आपका D कॉलम में है और रो किस में है, 4 रो में है। इसलिए क्या करेंगे, D4 - ये 8 घंटा हमारा फिक्स है, जो फिक्स रहता है, यानी C1 में जो हम 8 घंटे फिक्स किए हैं उसको, जो फिक्स रहता है उसको हम डॉलर में यूज करते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ से,
डॉलर लिखेंगे, सी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, डॉलर लिखेंगे और क्या किस में है आपका, ये वन रो में, तो इसलिए लिख दिए क्या वन, इसके बाद इंटर कर दिए। तो ये आपका देख रहे हैं ये गलत आ रहा है, चलिए देखते हैं फिर से कर यहाँ से क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, इसके बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद माइनस यूज करेंगे, इसके बाद डॉलर यूज करेंगे, सी यूज करेंगे, डॉलर यूज करेंगे और क्या करेंगे वन यूज करेंगे और इंटर करेंगे, इसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। ये आपका जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट गलती आ रहा है, तो हमको किस फॉर्मेट में चाहिए, यहाँ से आपको चाहिए किस में, हावर्स, मिनट और सेकेंड में चाहिए, जो कि ये फॉर्मेट आपका डेट और घंटे में दिखा रहा है, यानी घंटे और मिनट में दिखा रहे हैं। तो पुनः उसी फॉर्मेट को सेलेक्ट करने के लिए सर्वप्रथम इस पूरे को क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद राइट क्लिक करेंगे, एक ऑप्शन क्या आएगा आपका फॉर्मेट सेल्स आएगा, और इसके बाद आप किस पर जाएंगे, टाइम पर जाएंगे और उसी फॉर्मेट को क्या कर देंगे, यहाँ से सेलेक्ट कर देंगे, इसके बाद ओके कर देंगे। तो एक सप्ताह का हमको ओटी फाइंड करना है, तो यहाँ से लिखेंगे कि टोटल क्या ओटी, यानी ओटी का मतलब क्या होता है, ओवर टाइम, जो 8 घंटे के अलावा जो हम काम करते हैं, तमाम पर कंपनियां 70 रुपया घंटा ओटी मतलब देता है, तो उसके लिए अलग से हमको कैलकुलेट करना पड़ता है। तो यहाँ से एक सप्ताह कैलकुलेट निकालने के लिए क्या करेंगे, इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, स्टैंडर्ड टूल पर जाएंगे और ऑटो सम पर क्या कर दिए, सेलेक्ट कर दिए और इंटर कर दिए, यानी हमारा एक व्यक्ति का एक सप्ताह का ओटी कितना निकल गया, 13 घंटा 46 मिनट ओटी निकल गया। और जैसे कंपनी जब सिलेक्शन हो रहा होगा, तो जो एचआर होते हैं वो बताए होंगे कि अगर आप एक घंटे काम कर रहे हैं तो कितने रुपये घंटे के ओटी से मिल गया, सपोज 70 रुपये घंटे से ओटी से मिला होगा तो 70 से इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो 8 घंटे का सैलरी जो लगाया होगा उसमें क्या हो जाएगा, आपका एड हो जाएगा। तो आज के एक्सेल वीडियो क्लास में यह बताया कि कैसे हम ओटी को कैलकुलेशन करते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए।